इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना UAN नंबर का पासवर्ड भूल चुके हैं तो ऑनलाइन कैसे रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, UAN का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो अक्सर PF से रिलेटेड होता है। जैसे PF का आप अकाउंट PF अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन, या PF विड्रॉ करना चाहते हैं, या आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हैं तो वहां भी PF नंबर आपको देने पड़ते हैं। बहुत सारा यूज है इसका। तो यदि आपके पास UAN नंबर तो है लेकिन पासवर्ड आप भूल चुके हो तो ऑनलाइन आप पीएफ का बैलेंस वगैरह चेक नहीं कर सकते। तो उसका पासवर्ड हम कैसे रीसेट कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको जाना है गूगल पर। गूगल आपको मोबाइल या लैपटॉप सिस्टम पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है UAN पासवर्ड रीसेट, ठीक है ना। और जैसे ये टाइप करेंगे तो आपका जो दूसरा लिंक मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डोंट वरी। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो राइट साइड में आप देख सकते हो कि राइट साइड में UAN पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के आप लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास UAN नंबर तो है, पासवर्ड नहीं है। तो हमें नीचे वाला जो सेक्शन है, नीचे वाला देख सकते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड वाली सेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड जो लिंक है इस पर हमें क्लिक करना होता है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि फॉरगॉट पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ बोल रहा है एंटर UAN और दूसरा कैप्चा एंटर करना है जो इस इमेज में दिख रहा है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट करता हूँ, दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर कर ली है तो अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ा इंतजार करना है तो देख सकते हो कि बोल रहा है जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा गया है दोस्तों, तो वो OTP मुझे एंटर करने होंगे। और ये बोल रहा है कि जो मोबाइल नंबर यहाँ दिख रहा है क्या इस पे मैं अपना OTP सेंड करना चाहता हूँ, तो हमें क्लिक करना होगा यस। यदि ये मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होगा तो यस पे क्लिक करना है, नहीं एक्टिव होगा तो नो पे क्लिक करना है। तो मेरा मोबाइल एक्टिव है तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो OTP सेंड कर दिया गया है मेरे मोबाइल पे, वो मैं एंटर करने वाला हूँ। OTP एंटर करने के बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको भी वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे वेरीफाई पे क्लिक किया तो न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों, न्यू पासवर्ड आप बहुत ही सावधानी से चुनना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करना। और जैसे ही एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे तो न्यू पासवर्ड का मिनिमम क्राइटेरिया, चूज करने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है वो लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे आप कर्सर ले जाओगे तो यहाँ क्लियरली लिख रहा है कि पासवर्ड का मिनिमम लेंथ 7 कैरेक्टर्स होना चाहिए, अब मैक्सिमम लेंथ 20 कैरेक्टर्स होना चाहिए और एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, 1 स्मॉल लेटर होना चाहिए, 1 एटलीस्ट स्पेशल सिंबल होना चाहिए और बोल रहा है मिनिमम 4 अल्फाबेट्स होना चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम 2 डिजिट्स होना चाहिए। तो इन सारी क्राइटेरिया को फुल फिल करता हुआ मैंने पासवर्ड दोनों में एंटर कर रहा है। दोनों में आपको सेम पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ लिख रहा है मैसेज, आप चाहो तो इस पासवर्ड को सेव कर सकते हो ताकि अगली बार आप इस वेबसाइट पे आए तो आपको बार बार एंटर ना करना पड़े, नहीं तो आप साइबर कैफे में हो तो नेवर पे क्लिक करो। तो मैं अपने कंप्यूटर पर हूँ तो सेव पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली और लॉगिन करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने अपने UAN नंबर का जो पासवर्ड मैं भूल गया था उसे मैंने रीसेट कर लिया। तो आशा है वीडियो आप समझ गए होंगे और इस तरह से आप अपने UAN का पासवर्ड, भूला हुआ पासवर्ड भी फिर से रीसेट करके आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इसे इजीली लॉगिन कर सकते हैं और PF का जो भी काम है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जैसा कि लॉगिन आ गया, यहाँ पासवर्ड हमने रीसेट किया है तो इसमें लॉगिन करके भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना UAN नंबर मैंने डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ये जो कैप्चा दिख रहा है ये मैं डाल रहा हूँ। जैसे मैंने ये तीनों इन्फॉर्मेशन दिया तो देख सकते हो कि मैं सक्सेसफुली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें मैं लॉगिन हो सका EPF वेबसाइट पे। तो इस तरह से आप अपने UAN नंबर का पासवर्ड यदि भूल गए हैं तो इजीली
चेंज कर सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को जो लाइक बटन है उसे जरूर क्लिक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।